रुक करते हैं प्रदेश की ओर। राजधानी में दोपहर बाद जमकर मेघ बरसे, बारिश के चलते शिमला में पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास ओवर से 10 कदम की दूरी पर देवदार के पेड़ सड़क में गिर गया। पेड़ गिरने से वहां से गुजर रहे दो व्यक्ति बाल बाल बचे। वन विभाग को सूचना दे दी है ताकि जल्द से पेड़ को काट कर सड़क से हटाया जा सके। हिमाचल की राजधानी शिमला में दोपहर बाद जमकर मेघ बरसे, बारिश के चलते शिमला में पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास ओवर से 10 कदम की दूरी पर देवदार के पेड़ सड़क में गिर गया। पेड़ गिरने से वहां से गुजर रहे दो व्यक्ति बाल बाल बचे। वन विभाग को सूचना दे दी है ताकि जल्द से पेड़ को काट कर सड़क से हटाया जा सके। पेड़ गिरने से छोटा शिमला से माल रोड को जोड़ने वाली सील्ड सड़क भी बंद हो गई है। मुख्यमंत्री के आवास के लिए भी यही सड़क जाती है। पेड़ की चपेट में बिजली की तारें भी आई हैं, जिससे आसपास की बिजली भी गुल है। फिलहाल बिजली विभाग के कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं व तारों को जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। बड़ी परेशानी है सर, आना जाने मुश्किल हो गया है। आप कैसे निकले, पर कैसे बच के निकले? बड़ी मुश्किल से, थोड़ी सी जगह है नीचे से क्रॉस होकर आए पेड़ के नीचे से। शिमला में पेड़ खतरा बने हुए सर? हाँ जी सर, बरसात में डर लगता है। हाँ जी।